नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले में भाजपा को शहर महापौर चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और जिले के तीनों जनपद अध्यक्ष में हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने तीनों जनपद अध्यक्ष देवसर, चितरंगी और बैरन जीत कर बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं सिंगरौली में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सोनम सिंह ने बाजी मारी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर एक तरफा बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी सोनम सिंह को कुल 10 मत मिले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्यवती सिंह को कुल 4 मत मिले। 6 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई है, जिससे कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न जैसे ही हुआ, जिला पंचायत सभागार के बाहर कांग्रेस समर्थकों में उत्साह का माहौल था। जिला पंचायत अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुई 26 वर्षीय युवा नेत्री सोनम सिंह कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय तिलक राज सिंह की पुत्री है, जो कि जिला पंचायत सदस्य के लिए काफी बड़े मतों से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। तो वहीं अर्चना सिंह पत्नी नागेंद्र सिंह निर्विरोध जिला पंचायत उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं, जिससे कांग्रेस को दुगुनी खुशी मिलने से कांग्रेस में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर भाजपाई जनता के निर्णय को शिरोधार्य कर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हार का ठीकरा एक दूसरे के सर पर उछालने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा की अफसरशाही नीतियों को जनता ने खारिज कर दिया, जिससे भाजपाई खेमे में भूचाला किया। सिंगरौली जिले में हुए नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में भी भाजपा एकजुट नहीं रहे, जिससे मेयर की कुर्सी भी चली गई। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के समय मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी पूरे दमखम और कांग्रेस समर्थकों के साथ चुनाव संपन्न होने पर उपस्थित रहे। सिंगरौली जिले में एक तरफा कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और इसी तरह पूरे प्रदेश में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार में बैठे हुए लोग झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हमारा बेरोजगार परेशान, किसी भी जिधर आप नज़र दौड़ाइए सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए गांव की भी और शहर की भी आम जनता ने सरकार बनाने का काम किया है। कुछ जगह जरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक दबाव की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव की वजह से खरीद फरोख्त के माध्यम से कुछ समीकरण जरूर गड़बड़ करने का काम किया है। फिर भी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, बदलाव चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिंगरौली जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जीते हैं। जिन साथियों ने, चुने हुए हमारे प्रतिनिधियों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, उनको सबको बधाई देते हैं और सिंगरौली जिले के जनता जनार्दन का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनको भी बधाई देते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद, सभी जगह आपने जिताया है और ये बदलाव विधानसभा और लोकसभा में भी दिखाई दे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है पंचायत चुनाव में, इसका विधानसभा चुनाव 2023 में क्या असर रहेगा? पूरा असर रहेगा, ये पूरी तरह से परिवर्तन की बयार चल पड़ी है। जिस तरह से देश में, प्रदेश में लोगों को ठगने का काम किया है, झूठ फरेब की राजनीति शुरू की है, शहर में स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, क्या क्या नारे नहीं दिए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, 15 लाख रुपए खाते में लाके डाल देंगे, काला धन लाएंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसी भी विषय पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है, पूरी तरह से फेल हो गई है जन आकांक्षाओं पे और जनता बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाना चाहती है और सबक सिखाएगी। जिस तरह से आज हर वस्तु पे, खाने वाले सामान पे, सब पे जिस तरह से GST लगाया है, महंगाई में ढकोस दिया है, इन सब चीज़ों का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। जनता में बदलाव की बात कर रहे हैं, मेयर चुनाव में क्यों पीछे रह गए फिर? मेयर चुनाव क्या चूक हुई? कुछ इंटरनल मैटर था, उस पर कांग्रेस पार्टी समीक्षा कर रही है। कुछ हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर कुछ कमियां थी, कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रदर्शन में कुछ न कुछ कमजोरी।